24। नमस्कार दर्शकों, ग्वालियर न्यूज 24 में स्वागत है। श्री सनातन धर्म मंदिर ग्वालियर में श्रावण अधिक मास पूर्णिमा 1 अगस्त मंगलवार को श्रावण में वृक्षारोपण के धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व को देखते हुए हरियाली वृक्षारोपण महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार एवं पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल श्रीजी पी शर्मा द्वारा वृक्षारोपण किया गया। मंदिर परिसर में लगभग 20 औषधीय पौधे बड़े गमलों में रोपित किए गए, जिनमें बेलपत्र, हर्ष श्रृंगार, नीम, पीपल, अशोक आदि पौधों का रोपण किया गया। इसी क्रम में मंदिर परिसर में स्थित जन प्रसादन काफ़ी जीर्ण अवस्था में थे, जिससे मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा होती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में नए सिरे से प्रसादन सुविधा का निर्माण कराया गया और इसका लोकार्पण महापौर द्वारा किया गया। मित्तल साहब, आज की जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है वो डेवलपमेंट को लेकर के बुलाई गई है, तो क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं मंदिर के प्रांगण में और क्या क्या होने जा रहे हैं? देखिए सर, हमारा काफ़ी समय से एक प्लानिंग था कि हमारा गणेश जो हॉल है उसको बड़े बड़ा इसी हॉल बनाए और काफ़ी कोशिशों के बाद हमें इसके लिए दानदाता मिले और लगभग 80-85 लाख की लागत से ही हम ऊपर हॉल बना रहे हैं। ये सत्संग हॉल रहेगा, आजकल कोई सत्संग अच्छे प्रसंगों के लिए भागवत कथा आदि के लिए काम में लेना चाहेंगे हम जरूर, और उसका कोई व्यावसायीकरण नहीं किया जाएगा। तथा इसके अलावा हमारा जो टॉयलेट वगैरह है काफ़ी समय से ख़राब पड़े, मतलब आउटडेटेड हो गए, तो उनको पूरा तोड़ा के हमने नए सिरे से लगवाया है। थोड़ा कुछ ग्रीनरी का भी प्लानिंग किया है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, उन्हीं संबंध की जानकारी देने के लिए। आज जो हरियाली उत्सव है उसमें क्या क्या विशेष रहने वाले हैं? लगभग हमारे 30 पेड़ लगाए जा रहे हैं इसके उपलक्ष्य में, और माननीय श्री SP साहब एवं महापौर जी इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं।